Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of cardiac pathology, that is RHD, rheumatic heart disease. देखिए rheumatic heart disease भी एक immunological disorder है heart का, जो कि group beta streptococcal hemolytic streptococci ये delayed sequel के रूप में देखने को मिलता है। ये line मैंने आपको glomerulonephritis जब topic renal system में पढ़ाया था वहाँ पर भी मैंने बताया था, तो उसी के ही delayed sequel के रूप में ये RHD देखने को मिलती है, तो वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो RHD क्या है? ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि डिलेड रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका यानी गैस का, जो कि टॉन्सिलो फेरेंजियल एरिया में देखने मिलता है। फेरिंग्स का इन्फेक्शन मेन कॉज करता है ये बैक्टीरिया, और फेरिंग्स का इन्फेक्शन फिर डिलेड सीक्वल के रूप में ये हार्ट को, किडनी को, स्प्लीन को, अलग अलग पार्ट्स को कवर कर लेता है। तो ये ब्लैक जे एम ने ये डेफिनेशन इसकी दी थी। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम, जो दिखाई देती है डिलेड सीक्वल रूमेटिक फीवर के, डिलेड सीक्वल के रूप में, जिसको डिलेड सीक्वल मतलब कई महीनों कई सालों के बाद में रूमेटिक फीवर के रूप में, जिसमें हार्ट की वॉल में स्कारिंग और डिफॉर्मिटी हो जाती है। हार्ट वॉल में स्कार बन जाएगा और उसकी शेप साइज बिगड़ जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी। ये डेफिनेशन कोरोनरी केयर नर्सिंग टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है। अब इंसिडेंस 1000 में से 5 लोगों में ये दिखाई देता है, 5 से 15 एज में के ग्रुप में 1 मिलियन RHD केसेस इंडिया में देखने को मिल रहे होते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट कार्डिक डिसऑर्डर है ये उन इंडिविजुअल जो 40 साल से कम उम्र के हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और डायग्नोसिस के लिए जॉन्स क्राइटेरिया दिया, जॉन्स नाम के साइंटिस्ट ने 2 क्राइटेरिया दिया था, और ये क्राइटेरिया इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को भी बताता है और ये इसके डायग्नोस में भी काम आता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो ये जो क्राइटेरिया दिए इसके अंदर हम मेजर और माइनर 2 क्राइटेरिया होते हैं, इनके अंदर हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, 5-5 सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो वो सिम्टम्स हैं यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, और इन सिम्टम्स में से, ऐसा नहीं कि सारे सिम्टम्स आपको RHD में दिखाई देंगे, इन सिम्टम्स में से अगर 2 मेजर क्राइटेरिया किसी पर्सन में दिख जाए इसका मतलब उसको मेजर, उसको RHD है, या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया अगर दिख जाए तो इसका मतलब उसको RHD है। तो ये डायग्नोस में भी काम आ रहे हैं क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं RHD को। तो देखिए मेजर क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले कार्डाइटिस दिखाई देगा, या वर्ड आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला कार्डाइटिस है, दूसरा पॉलीआर्थराइटिस दिखाई देगा, कोरिया दिखाई देगा, एरिथेमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिखाई देंगे। मैंने कहा था ना 5 सिम्टम्स मेजर में, 5 सिम्टम्स माइनर में। पहला कार्डाइटिस यानी कार्डिया का इन्फ्लामेशन, पॉलीआर्थराइटिस आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन जो कि फैलता हुआ अलग अलग जॉइंट्स में है, कोरिया इनवॉल्यूंट्री मस्कुलर मूवमेंट को कहते हैं, एरिथेमा मार्जिनेटम स्किन लाल लाल हो जाती है, लाल लाल चकते पड़ जाते हैं क्योंकि RBC किनारे किनारे पर इकट्ठे हो जाते हैं शरीर में, तो लाल लाल चकते पड़ जाएंगे, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स यानी स्किन के नीचे गांठें दिखाई देगी। कार्डाइटिस में देखिए एंडोकार्डाइटिस दिखाई गया है, ये इन्फेक्शन है हार्ट की इनरमोस्ट लेयर का, जो कि अक्सर कंजेनाइटल या वॉल्वुलर डिजीज जिन लोगों में होती है उनमें दिखाई देता है, या जो लोग रूमेटिक फीवर से ग्रस्त होते हैं उनमें दिखाई देता है। यहाँ पे ये हेल्दी वॉल्व दिखाए गए हैं और ये इन्फेक्टेड वॉल्व दिखाई गए हैं जिसमें वेजिटेशन बन जाता है। अब माइनर क्राइटेरिया के क्लिनिकल फाइंडिंग्स में फीवर और पॉलीआर्थ्रेल्जिया मेनली दिखाई दे रहा होता है, फीवर और पॉलीआर्थ्रेल्जिया। मैंने कहा था 5 है, तो 5 में 2 तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है और 3 लैब फाइंडिंग्स है, जिसमें ESR बढ़ा हुआ दिखाएगा, WBC काउंट बढ़ा हुआ दिखाई देगा और CRP बढ़ा हुआ दिखाई देगा, C रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये 5 माइनर क्राइटेरिया, 5 कौन से? फर्स्ट फीवर, सेकंड पॉलीआर्थ्रेल्जिया, मसल पेन, आर्थ्रेल्जिया क्या है? मसल पेन, फीवर रूमेटिक फीवर है ये, ESR, थर्ड ESR बढ़ा हुआ दिखेगा, फोर्थ WBC काउंट बढ़ा हुआ दिखेगा और फिफ्थ CRP बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के एविडेंस भी दिख सकते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग में, तो आप इसके लिए एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टेस्ट लगा सकते हो, ओ टाइटर आपको दिखाई देगा, थ्रॉट कल्चर पॉजिटिव दिखाई देगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, ECG फाइंडिंग में PR इंटरवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा और हार्ट ब्लॉक में स्वेलिंग दिखाई आपको देगी, स्वेलिंग से हार्ट ब्लॉक हो जाता है।
अब ये मेजर माइनर क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ें दिखाई गई है एक साथ लिखा हुआ है, बाकी तो मैंने आपको पढ़ के बताई दी हैं ये सारी चीज़ें, आप खुद से पढ़ लें इसे। अब अदर साइन सिम्टम्स में और क्या दिख सकते हैं भाई, अदर साइन सिम्टम्स में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है भाई आरएसडी अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, एट्रियल फाइब्रिलेशन दिखाई देगा, वेंटिकुलर एरिथमिया दिखाई देगा, एम्बोलिज्म जिसमें एक कोई सॉलिड लिक्विड गैसेस मास एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कंजेसिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन की वजह से एंडोकार्डियल लेयर का इन्फ्लामेशन जो अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी डेफिनेशन आई थी, सिंकोप हो सकता है, एंजाइना हो सकता है यानी चेस्ट पेन, और हीमोलाइटिक एनीमिया के हीमोलाइसिस की वजह से ब्लड की कमी हो गई है। डायग्नोस कैसे करोगे, हेल्थ की हिस्ट्री लो पर्सन की, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, चेस्ट का एक्सरे करके देख सकते हो, ब्लड काउंट कर सकते हो, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर ASO देख सकते हो, CRP देख सकते हो, ECG करवा सकते हो, कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हो और होल्टर मॉनिटर आप कर सकते हो। बस इसके साथ आपका ये RSD ख़त्म, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी था, सिंपल था, याद कर लीजिए, जॉन्स क्राइटेरिया याद कर लीजिए इसके अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।